नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व पंजाब की दोपहर तक की खास खबरें। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन होने के उपरांत राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व निकटवर्ती पंजाब राज्य में लोग अपने ही घरों में जमे हुए हैं। केंद्र व राज्य सरकारें व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद नए आदेश भी जारी कर रही हैं। केंद्र के स्पष्ट आदेश आए हैं कि जो व्यक्ति इस समय जहां रह रहा है उसको पलायन नहीं करने दिया जाए। इस बीच पंजाब व अन्य राज्यों में कार्यरत प्रवासी मजदूर अपने गांवों के लिए रवाना हो रहे हैं। पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लोग मजदूरी अथवा अन्य कार्य करते थे, वे भी वहाँ से पैदल ही रवाना हो गए हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या हजारों में नहीं है। जिला प्रशासन इससे पूर्व ही पंजाब सीमा को सील कर चुका है, इस कारण ऐसे मजदूरों को राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार पूर्व में ही सभी जिला कलेक्टर व SP को आदेशित कर चुकी है कि लॉकडाउन की पालना गंभीरतापूर्वक करवाई जाए, जो जहां है उसको वहीं रोका जाए। राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिला प्रशासन ने पृथक से जिन हॉस्पिटल व चिकित्सा संस्थान का अधिग्रहण किया था, वहां अब कोरोना के लक्षण अथवा ट्रैवल हिस्ट्री रखने वालों को रखा जाने लगा है। आज से साधुवाली स्थित प्रेरणा नशा मुक्ति केंद्र में क्वारंटीन सेंटर आरंभ कर दिया गया है, जबकि टांडिया यूनिवर्सिटी में जनसेवा अस्पताल के लिए आइसोलेशन वार्ड आरंभ कर दिया गया है। यहाँ पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाएगी। श्रीगंगानगर जिले के करणपुर थाना क्षेत्र में 9 गांव में आज किसी बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में कई जने घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि घायलों के बयान लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। CMHO डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा ने बताया कि रायसेन नगर की जिस महिला की रविवार को मौत हो गई थी, उसके परिवार के सदस्यों के भी सैंपल लिए गए हैं और उनमें होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है। हालांकि महिला की मौत के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए थे और एहतियात के तौर पर महिला के संस्कार के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं अन्य व्यवस्था भी की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण पाए जाने पर अभी तक 40 लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। CMHO ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि जिन 27 सैंपल की रिपोर्ट अभी तक मिली है, सभी नेगेटिव आए हैं। 13 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वहीं बीकानेर जिले में 15 लोगों की रिपोर्ट आज प्रशासन को प्राप्त हुई, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं। श्रीगंगानगर जिले की लालगढ़ थाना पुलिस ने गांव लादूवाला में दबिश देकर संदीप नामक व्यक्ति को एक पिस्तौल, 2 मैगजीनी व 12 कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ आग्रेस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस संदीप से पूछताछ कर रही है। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में तालाबंदी है, इस कारण जनता को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि नगरीय कर जमा करवाने की अवधि 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। इसके साथ ही एक मुश्त राशि जमा करवाने पर मूल राशि में ही 50% की छूट दी जाएगी। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में गांव 37 में प्रेम नामक व्यक्ति की खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। प्रेम डिग्गी में लगी पाइपलाइन को दुरुस्त कर रहा था कि उसका पांव फिसल गया, जिसके चलते वह डिग्गी में जा गिरा और उसकी डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मार्ग दर्ज की है। पदमपुर मार्ग स्थित कल्याण भूमि के लिए लकड़ियों की भी कमी हो गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन को अवगत करवाते हुए सहायता मांगी गई थी। भूमि की संचालन समिति की ओर से कहा गया है कि उनके पास अगले 6-7 दिन के संस्कार के लिए ही लकड़ियां बची हैं, इस कारण वन विभाग के माध्यम से वन लकड़ियां उपलब्ध करवाई जाएं। पंजाब सीमा को सील करने के उपरांत अब जिले में भी एक तहसील से दूसरे तहसील क्षेत्र में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लॉकडाउन के नियमों को कड़ा करते हुए सरकार ने आदेश दिया है कि जिले की आंतरिक मार्गों जो तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं, उनको भी बंद कर दिया जाए। गांवों से तहसील मुख्यालय पर जाने के लिए भी अब पूर्व में ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। पंजाब में 48 घंटों में कोरोना वायरस का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। अब तक पंजाब में कोरोना के 38 केस पॉजिटिव हैं, जबकि 2 लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है, पर अभी तक 190 संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब तक 970 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, इसमें से 749 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में उपचार चल रहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पंजाब में लगाए गए कर्फ्यू में आम जनजीवन पर ब्रेक लग रही है और सड़कें सुनसान रही। केवल जरूरी व इमरजेंसी सेवाएं देने वाले मुलाजिम, सब्जियां फल बेचने वाले वेंडर तथा लोगों को राशन व खाना मुहैया करवा रहे समाजसेवी संगठनों के सदस्य ही बाहर रहे। कुछ इलाकों में दवाइयाँ न मिलने के कारण लोगों को दिक्कतें पेश आई।
शराब न मिलने के कारण 42 वर्षीय व्यक्ति ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यक्ति का शव फिरोजपुर फीडर नहर के नजदीक देखा गया। इसके बाद गांव के लोगों ने शव को बाहर निकाला। मौके पर एमसी राय ने बताया कि टिंकू पुत्र लालचंद निवासी लाल कुर्ती फिरोजपुर छावनी गत शाम 4 बजे शराब की तलाश में निकला तो उसे शराब न मिलने के कारण उसने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लागू कर्फ्यू के दौरान पंजाब के चंडीगढ़ में प्रवासियों के पहुंचने की सूचना पर देर रात तक पुलिस शहर में अलर्ट रही। डीआईजी ओमवीर सिंह व एसएसपी नीलांबरी जागदले ने नेतरतव के कुल 42 प्रवासियों को मलोया स्थित कम्युनिटी सेंटर में बनाए शेल्टर होम में सुरक्षित पहुँचाया गया, जहाँ उनके खाने पीने की और रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। चंडीगढ़ के एसएसपी के नेतृत्व में कुल 42 प्रवासियों में 37 पुरुष, 2 महिला व 3 बच्चे शामिल हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। मौके का फायदा उठाकर महंगे दामों में खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी के मामले में सरकार ने पिछले सप्ताह प्रदेश भर में 732 प्रकरण दर्ज कर 446 के विरुद्ध कार्रवाई की है। वहीं लॉकडाउन के उल्लंघन कर व्यापारिक संस्थान खोलने के मामले में 50 मामले दर्ज कर 34 में कार्रवाई की जा चुकी है और शेष मामलों की जांच की जा रही है। राजस्थान में कोरोना वायरस के इलाज के लिए निजी अस्पतालों का अधिग्रहण किया जाएगा। राज्य के जिला कलेक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने का हवाला देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए निजी चिकित्सालय व उनसे संबद्ध भवनों की आवश्यकता पड़ेगी, लिहाजा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मांग पर निजी अस्पताल संचालक 2। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.